हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा क्लास सीखने जा रहे हैं। ओके, लर्न कंप्यूटर विद राजीव लाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का क्लास वन में हम लोग ने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का कार्य क्या है, कंप्यूटर का लाभ क्या है, कंप्यूटर का हानि क्या है, इनके बारे में हम लोग ने जाना। दोस्तों, आज हम लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर को किस किस क्षेत्र में क्यों यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। सबसे पहले दोस्तों, बिजनेस। बिजनेस में कंप्यूटर को क्यों यूज किया जाता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, बड़ा से बड़ा कंपनी, उनमें हर कंपनी में आज कंप्यूटर में काम होता है। क्यों काम होता है कि दोस्तों, कंप्यूटर में हम लोग किसी भी डेटा को इजीली रख सकते हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा दोस्तों, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में जाना। मान लो दोस्तों, मेरा एक कंपनी है जो कंपनी परचेस करता है और सेल करता है, मतलब खरीद बिक्री का करता है, काम करता है। तो जो खरीद करता हूँ मैं, उसका हिसाब रखने के लिए, जो बिक्री करता है उसका हिसाब रखने के लिए मैं कंप्यूटर का यूज करूँगा। और इम्प्लॉय का जो भी डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, मान लो मेरे कंपनी में कितना इम्प्लॉय है, उनके इम्प्लॉय का इन आउट सभी हिसाब को रखने के लिए हम लोग दोस्तों बिजनेस में कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बैंकिंग। बैंकिंग में कंप्यूटर को किस लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, बैंकिंग का सबसे कंप्यूटर को बैंकिंग में यूज करने का सबसे बढ़िया यूजेज क्या है दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग। ओके, जिसको नेट बैंकिंग बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों, हम लोग नेट बैंकिंग के जरिए घर में बैठे अपने अकाउंट में कितना पैसा है, कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉ हुआ है, कौन सा महीना किस दिन किसको मैंने पेमेंट किया है, किस दिन मेरा अकाउंट पर पैसा डिपॉजिट हुआ है, उन सबको मैं दोस्तों घर में बैठ के देख सकता हूँ। और आप सभी जानते हैं एटीएम मशीन, जिसके द्वारा हम लोग बिना बैंक गए हुए भी वहाँ से हम लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन कारणों से भी बैंकिंग में कंप्यूटर को यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लोग कंप्यूटर को बेस करके बहुत सारा एजुकेशन बच्चों को देते हैं। जैसे आप लोग ने देखा है दोस्तों, हम लोग ने सभी ने ये महसूस किया कि जब हम लोग का पेंडेमिक शुरू हुआ, उस समय बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा ही बहुत सारा एजुकेशन दिया गया। तो मतलब कंप्यूटर के द्वारा एजुकेशन बच्चों को दिया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हेल्थ केयर। दोस्तों, हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी लैब में कोई भी सैंपल को, कौन सा बीमारी उसको डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ओके, सीटी स्कैन नाम का टेक्नोलॉजी के सिर के भीतर, हम लोग हेड के भीतर क्या बीमारी है उसको भी हम लोग जान सकते। अल्ट्रासाउंडग्राफी, जिनके द्वारा दोस्तों हम लोग पेट के भीतर क्या बीमारी है उनको भी जान सकते हैं। और ये सारा चीज दोस्तों कंप्यूटर के जरिए हम लोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इससे पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर के पीढ़ी, कंप्यूटर का कैसे जनरेशन, कंप्यूटर का क्या क्या जनरेशन है उसके बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। जैसे दोस्तों, हम लोग मानव का भी एक पीढ़ी था, इंसान का भी एक पीढ़ी था। पहले हम लोग क्या था, बंदर था, उसके बाद थोड़ा सा इंसान हुए, उसके बाद थोड़ा सा इंसान हुए, उसके बाद थोड़ा सा इंसान हुए। लेकिन ये जब बंदर से लेकर इंसान तक का हम लोग का जो टाइम था वो बहुत टाइम लगा दोस्तों, इतना जल्दी नहीं हुआ। इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी एक पीढ़ी है जिसको हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। 1946 से लेकर 1959 के जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। दोस्तों, उस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब नामक टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, जो आपके स्क्रीन के सामने है। ये एक डिवाइस है जो वैक्यूम ट्यूब है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। उसके बाद दोस्तों, जनरेशन बढ़ते गया, टेक्नोलॉजी और एडवांस होते गया, तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 से लेकर 1965 के पीरियड को सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। दोस्तों, उस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। दोस्तों, ये आप लोग स्क्रीन के सामने ये रहा ट्रांजिस्टर, जिसको वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस करके सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया। ओके, उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं दोस्तों, आईसी को यूज किया गया। जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ते गया, वैसे ही
एडवांस होते गया दोस्तों कंप्यूटर, ओके। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1971 से लेकर 1980 तक के समय को फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, जिसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया दोस्तों। ये रहा आप लोग के सामने VLSI माइक्रो प्रोसेसर, जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया, ओके। उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया, एडवांस होते गया, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया 1980 से लेकर टिल डेट, आज का जो डेट है उस तक को दोस्तों हम लोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। उसमें माइक्रो प्रोसेसर और एडवांस हुआ और उस माइक्रो प्रोसेसर को ULSI माइक्रो प्रोसेसर बोला गया दोस्तों। उसका जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया। तो दोस्तों ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, किस जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, इस चैप्टर में हम लोग ने जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो मैं जानना चाहता हूं दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिखने में कैसा था और उसके क्या क्या फीचर्स था और उनके क्या क्या नाम थे। तो ये रहा दोस्तों, ये आप लोग की स्क्रीन के सामने, ये था दोस्तों फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ओके। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कुछ फीचर्स। दोस्तों इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, ओके, जो बहुत ही कॉस्टली था और बहुत ही ज्यादा हीट को पैदा करता था, मतलब गर्मी पैदा करता था दोस्तों। और इसमें सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली दोस्तों, इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ मशीन लैंग्वेज, सिर्फ कोडिंग में काम करना पड़ता था दोस्तों उस समय, ओके। और साइज में भी बहुत बड़ा था और इनको रखने के लिए दोस्तों बड़ा रूम में बहुत ज्यादा एसी का जरूरत था दोस्तों, ओके। तो जानते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ नाम, जैसे यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। दोस्तों ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उनके फीचर्स और उनके नाम। आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया, कंप्यूटर का साइज भी छोटे होते गया, तो ये रहा दोस्तों सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और उनका साइज भी छोटा होते गया। इनके कुछ फीचर्स भी जानते हैं हम लोग, जैसे उस टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया दोस्तों, ओके। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तुलना में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर साइज में भी छोटा था और गर्मी भी कम पैदा करता था और इलेक्ट्रिसिटी भी दोस्तों कम कंज्यूम करता था। लेकिन इसका भी कुछ डिसएडवांटेज था दोस्तों, जैसे स्टिल वेरी कॉस्टली, अभी भी ये महंगा था और इसको चलाने के लिए दोस्तों एसी का रिक्वायरमेंट था, ओके। तो ये रहा कुछ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम, जैसे IBM 1620, IBM 7094, ये था दोस्तों कुछ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उनके फीचर्स और उनके नाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये रहा दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया और कंप्यूटर का साइज भी धीरे धीरे छोटा होते गया। तो इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी को यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया, ओके। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के तुलना में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर छोटा था और गर्मी भी कम पैदा करता था और उसके दोनों के मुकाबले जल्दी से फास्ट काम भी करता था। लेकिन इसका भी दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज था, जैसे अभी स्टिल ये कॉस्टली था और इसे चलाने के लिए एसी का रिक्वायरमेंट था दोस्तों। तो जानते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ नाम, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, ये था दोस्तों थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और उनके कुछ नाम। दोस्तों मैं आप लोगों को जो ये जनरेशन कंप्यूटर बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समरी बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को इनको डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे से PDF फाइल भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन में दोस्तों VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसमें आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया दोस्तों। तो ये रहा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, साइज में भी और छोटा और इनके कुछ फीचर्स जानते हैं दोस्तों। इसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज किया गया, वेरी चीप, और ये तीनों कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तुलना में सस्ता भी था और पोर्टेबल था दोस्तों। इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली हम लोग मूव कर सकते थे, साइज में भी छोटा था। और सबसे बढ़िया बात क्या था दोस्तों, इस कंप्यूटर का चलाने के लिए एसी का रिक्वायरमेंट नहीं था, ओके। और एक बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसी जनरेशन में इंटरनेट का भी जन्म हुआ दोस्तों। इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट था, ओके, इसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जन्म हुआ दोस्तों, ओके। और ये कुछ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उनके कुछ नाम, जैसे DAC 10, Star 1000, PDP 11
और सुपर कंप्यूटर क्रे वन सुपर कंप्यूटर भी दोस्तों फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही जन्म हुआ था इनका। ओके आगे बढ़ते दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 से लेकर टिल डेट 1980 से लेकर आज तक के डेट को दोस्तों हम लोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये रहा आप लोग स्क्रीन के सामने फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके कुछ फीचर जानेंगे दोस्तों। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर चिप को यूज किया गया, और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसको AI बोलते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य उदाहरण है दोस्तों रोबोट, आप सभी ने देखा होगा रोबोट, ये था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन एग्जांपल इज रोबोट। ओके और ये बहुत पावरफुल है, बाकी फोर्थ चार जनरेशन को कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। तो इनके कुछ नाम ये दोस्तों जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेटावर्स आप लोग ने सुना होगा दोस्तों, फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में दोस्तों कंप्यूटर और एक जनरेशन लाने जा रहा है जिसको सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाएगा, ये मेरा कहना है दोस्तों। ओके मेटावर्स की दुनिया होगा दोस्तों। ओके इस मेटावर्स टेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोस्तों। एक ऐसा डिवाइस दिया जाएगा जिसको लगाने के बाद दोस्तों आप एक आर्टिफिशियल दुनिया में चले जाएंगे दोस्तों, एक काल्पनिक दुनिया जिसमें आप कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि दोस्तों आर्टिफिशियल दुनिया में आप अपना जमीन भी खरीद सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी आने जा रहा है दोस्तों फ्यूचर में। दोस्तों क्या होता है मेटावर्स में, एक डिवाइस दिया जाएगा दोस्तों आपको, वो डिवाइस लगाने के बाद आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो एज ए एग्जाम्पल US में, अमेरिका में एक बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है, अमेरिका का एक फेमस सिंगर, कोई भी एक बड़ा सिंगर आने जा रहा है दोस्तों, एज ए एग्जाम्पल जस्टिन बीबर, उसका एक अमेरिका में कॉन्सर्ट होने जा रहा है दोस्तों। ओके लेकिन मैं इस मेटावर्स टेक्नोलॉजी के जरिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपने घर में बैठ के उस कॉन्सर्ट में कॉन्सर्ट को देख सकता हूँ दोस्तों, उस कॉन्सर्ट में मैं जा सकता हूँ। क्या होगा दोस्तों, एक डिवाइस दिया जाएगा जिसको लगा के आप अपने रूम में जाके बैठेंगे, उस डिवाइस को ऑन करेंगे तो अपने आप को उस कॉन्सर्ट में पाएंगे दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसको मेटावर्स बोला जाता है। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों देखें यहाँ पर एक मीटिंग चल रहा है, लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड एक काल्पनिक है, यहाँ पर कोई भी रियल नहीं है दोस्तों। सभी क्या कर रहा है, मेटावर्स टेक्नोलॉजी से अपने आप को एक जो सेंट्रल लोकेशन है उसमें आपने आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये मान लो एग्जांपल एक आदमी UK में बैठा हुआ है, एक आदमी कनाडा में है, एक आदमी रशिया में है, एक आदमी इंडिया में है, लेकिन चारों को एक मीटिंग करना है तो एक सेंट्रल लोकेशन में आके बैठेगा जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी के जरिए, और अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करेगा। उस समय आप लोगों को लगेगा दोस्तों कि सचमुच भी हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, मेरे सामने बाकी कंट्री का क्लाइंट है। तो इन टेक्नोलॉजी को दोस्तों मेटावर्स टेक्नोलॉजी बोला गया। इसका डिटेल्स में भी वीडियो में फ्यूचर में लाऊंगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मैं जरूर मेटावर्स टेक्नोलॉजी को और डिटेल्स में फ्यूचर में जाके समझाऊंगा। ये जस्ट एक आप लोगों को इंट्रो था। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जानने के बाद हम थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो दोस्तों शायद आप लोग जानते हैं व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, फिर भी मैं ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ये एक पार्ट है, मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। दोस्तों हार्डवेयर कंप्यूटर के उन पार्ट को बोला जाता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे एज एग्जाम्पल ये रहा, जैसे मॉनिटर है जिसको हम लोग छू सकते हैं, कीबोर्ड है जिसको हम लोग छू सकते हैं, माउस जिसको हम लोग छू सकते हैं, CPU जिसको हम लोग छू सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को दोस्तों हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ओके अब सॉफ्टवेयर बोलते हैं दोस्तों कंप्यूटर के उन प्रोग्राम को जिसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन उसमें हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग दोस्तों सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके और इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एग्जांपल और मैं जब आप लोग को प्रैक्टिकल कराऊंगा, जो प्रैक्टिकल में जो क्लास कराऊंगा उस समय और आप लोग को बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम है, क्यों हम लोग का कंप्यूटर में जरूरत है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कंप्यूटर एक मशीन है, आप हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों। एक बात गौर कीजिएगा,
एक मशीन को, मशीन से मुझे कुछ काम करवाना है, मशीन को बोलना है कि मुझे ये करके दो। एज ए एग्जाम्पल, मैं मशीन को बोलना चाहता हूँ कि तुम मुझे दो डिजिट का कैलकुलेशन करके दो, ओके? तो दोस्तों, मशीन तो मेरा लैंग्वेज नहीं समझेगा और मशीन का लैंग्वेज मुझे समझ भी नहीं आएगा। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया गया है जो क्या करता है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको मीडिएटर बोला जाता है, जिसको ट्रांसलेटर। एज ए एग्जाम्पल दोस्तों, एक चाइनीज आदमी है और एक इंडियन है, और जिसको चाइनीज आदमी को हिंदी नहीं आता है और जो इंडियन आदमी है उसको जो चाइना का लैंग्वेज है वो नहीं आता है। तो दोस्तों, एक मिडिल में एक ऐसा आदमी रखेंगे जो चाइनीज लैंग्वेज भी जानता है, जो इंडिया जो हिंदी लैंग्वेज भी जानता है, ओके? तो वो जो बीच का आदमी है दोस्तों, वो क्या करता है, हिंदी को चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, चाइनीज लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करता है। वही काम करता है दोस्तों यहाँ पर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओके? तो जानेंगे इसके कुछ नाम दोस्तों, जैसे विंडोज आप लोगों ने सुना ही होगा। विंडोज क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं दूसरे भाषा में। जैसे मैक एक्स है दोस्तों, ये एप्पल का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है, उबंटु है दोस्तों, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों। जैसे हार्डवेयर को ह्यूमन का लैंग्वेज समझाने के लिए और ह्यूमन को हार्डवेयर लैंग्वेज समझाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ काम भी तो करना है, कंप्यूटर में कुछ काम भी करना है। तो जिन सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोई भी वर्ड का काम हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेड काम हो, लेटर राइटिंग का काम हो, वो सब दोस्तों हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। एक्सेल, कोई भी डेटाबेस रिलेटेड काम हो, हिसाब किताब करने वाला काम हो, वो सब हम लोग दोस्तों एक्सेल में करते हैं। उसके बाद है पीएस, फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग का कोई भी काम हो वो हम लोग फोटोशॉप में करते हैं। क्रोम, जो इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट में हम लोग कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी डाउनलोड करना है, कुछ भी देखना है, तो हम लोग गूगल क्रोम ब्राउजर के जरिए यूज करते हैं। तो ये था दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर में सपोर्ट करना, कंप्यूटर को एक सपोर्टिंग करना, सपोर्टिंग एक्टर का काम करता है दोस्तों ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ईसेट एक एंटीवायरस है दोस्तों। एंटीवायरस क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर के भीतर वायरस को घुसने से रोकता है, ओके? ये है एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एडोब रीडर। एडोब रीडर क्या करता है दोस्तों, पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए इन सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। उसके बाद वीएलसी, कोई भी गाना सुनना हो, कोई भी मूवी देखना हो, उसके लिए दोस्तों हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर को यूज करते हैं। ये था दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर भी समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिए दोस्तों, कहाँ पर किस पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों मैं इस लेयर्स के जरिए भी आप लोगों को ये जो हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको समझने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आता है हार्डवेयर, ओके? अब इस हार्डवेयर के ऊपर होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको बीच का ट्रांसलेटर भी बोला जाता है। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज, मैक, लिनक्स, उबंटू, ये सब क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है, हार्डवेयर के ऊपर रहता है ये, ओके? और उसके ऊपर आता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ओके? तो ये रहा दोस्तों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, ये सब क्या करता है, जो हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, किसी भी, जैसे मान लो मुझे कोई एक लेटर बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, मान लो मुझे एक फोटो एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप में करते हैं, मान लो मुझे कोई वीडियो एडिटिंग करना है तो एक फिल्मरा नाम का सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग करते हैं। ये सब क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर बैठ के हम लोग काम करते हैं। ये था, इसको बोला जाता है दोस्तों लेयर्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये है कॉन्सेप्ट लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आशा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंप्यूटर को उनके साइज के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले दोस्तों सुपर कंप्यूटर, ये रहा दोस्तों सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर दोस्तों एक बहुत ही बहुत पावरफुल कंप्यूटर है जिसको हाई टेक काम के लिए यूज किया जाता है। ये नॉर्मल फोटो एडिटिंग करने के लिए, एक लेटर ड्राफ्टिंग करने के लिए, इस काम के लिए सुपर कंप्यूटर को यूज नहीं किया जाता है। और दोस्तों एक सवाल है आप लोगों को, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था और वो कौन से किस साल में बनाया गया था, ये आपके लिए एक सवाल है। तो सुपर कंप्यूटर का यूज दोस्तों क्वांटम मैकेनिज्म, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, बड़े बड़े काम के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं ना, वेदर में कुछ चेंजेस हुआ, जैसे एक साइक्लोन आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसका जानकारी पहले से हम लोग को दिया जाता है न्यूज चैनल के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए। दोस्तों ये जानकारी साइंटिस्ट को कैसे मिलता है, ये सब कैलकुलेशन जो होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर ही करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर से जो पावर में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है दोस्तों। ये कंप्यूटर दोस्तों ज़्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंपनी यूज करते हैं दोस्तों अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये बड़ा बड़ा कंपनी है, ये बड़ा बड़ा कंपनी अपना डेटा को प्रोसेस करने के लिए इन टाइप का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर। दोस्तों ये रहा मिनी कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेस पावरफुल है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से मोर पावरफुल है। दोस्तों इनको साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए मिनी कंप्यूटर को दोस्तों यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं वर्क स्टेशन। दोस्तों ये जो बहुत सारा कंप्यूटर, बहुत सारा मॉनिटर है, इन सब को कहीं ना कहीं आप लोग ने मूवी में देखा होगा दोस्तों। ओके दोस्तों ये जो वर्क स्टेशन है, ये बड़ा बड़ा ग्राफिक डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ग्राफिक डिजाइन मतलब दोस्तों होता है, जैसे मान लो कोई भी 3D मूवी बनाता है, 3D मूवी जैसे आप लोग देखते होंगे दोस्तों, 3D मूवी क्या है, एक कैरेक्टर है, जैसे आपने कुंफू पांडा ये तो देखा होगा दोस्तों, ये फेमस मूवी है, वो भी 3D में बनाया गया था। उस टाइप के मूवी को प्रोसेस करने के लिए, डिजाइन करने के लिए दोस्तों वर्क स्टेशन का जरूरत होता है, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे पिछले क्लास में दोस्तों मैंने रैम के बारे में आप लोगों को समझाया था, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा साइज में रैम का भी जरूरत होता है, ये है वर्क स्टेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों पर्सनल काम के लिए यूज किया जाता है, आप हम लोग सब जानते हैं। मान लो मुझे कोई लेटर लिखना है, या फिर मुझे कोई फोटो एडिटिंग करना है, मुझे या फिर कोई गाना सुनना है, उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। और एक डिवाइस है, इसको भी हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में ही काउंट करते हैं, लेकिन दोस्तों लैपटॉप को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पर्सनल कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जैसे मैं बता रहा हूँ, डेस्कटॉप को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं कि डेस्कटॉप में देखिए दोस्तों CPU, माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड अलग अलग होता है, डिफरेंट पार्ट्स को एक जो असेंबल करके पर्सनल कंप्यूटर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों लैपटॉप में क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर एक ही साथ अटैच किया होता है, इसलिए दोस्तों लैपटॉप को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। ओके, आशा करता हूँ पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा। तो ये था दोस्तों आज का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का दूसरा क्लास। तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने जा रहे हैं। ये क्लास दोस्तों प्रैक्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं, मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके ही कंप्यूटर दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे काम किया जाता है। तो यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आशा करता हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और इन दो वीडियो अगर आप लोग ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उस वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और यदि आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो देखा है तो ये मेरा गारंटी है दोस्तों आप लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।